ये दोस्तों 10 मीटर पे जो सरिया गड़ा है उसमें हमने 10 मीटर का 10 एम का स्लोप दिया। आपको एक चेक्ड एकदम स्लोप दिख रहा होगा एक्सीलरेशन। अब डायरेक्ट इसमें पानी निकाल के पीसीसी करेंगे, बारिश का मौसम है इस वजह से पानी आ जा रहा है। अब देखिए एग्जैक्ट स्लोप है 10 मीटर पे 10 एम की, एकदम एग्जैक्ट। अब तो इसमें सिर्फ 100 एम का पीसीसी करना है, इसके बाद सीधा आपको आरसीसी स्टील और सरिया सेटिंग लगा के कंप्लीट करना है स्टील लगा के। देखो दोस्तों ये है ड्रेन, ये है ड्रेन, और ड्रेन के हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। देखिए पहला क्या है, इसका पीसीसी जो करते हैं 100 का, और इसके आरसीसी जो है इसका आरसीसी करते हैं 100 का, और इसके बाद जो स्टील है, स्टील इसमें 8 एमएम के पूरे हैं। इसकी स्टील स्पेसिंग जो है, ये बीच की स्पेसिंग ये जो है 50 एमएम है, ठीक है 50 एमएम है। और इसकी जो बीज अंदर के बाहर बाहर की है, आउटिंग की है, ये वाली पॉइंट ये है 100 की, ठीक है 100 बाई 150 की ये स्पेसिंग है। और इसमें प्लेट लगा के शटरिंग करके कंक्रीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में आपको मैं और डिटेल डायग्राम में दिखाऊंगा, जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो और इसका डिटेल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसकी स्लोपिंग के बारे में बता देते हैं, ये जो ड्रेन जब हम बनाते हैं इसकी स्लोपिंग जो होती है ये हम लोग हर मीटर पे नहीं करते हैं, इसकी 10 मीटर पे हम लोग वो ले डिस्टेंस लेके उस पर 10 मीटर पे स्लोपिंग करते हैं। जैसे कि अगर हम 50 मीटर ऑलरेडी लिए हैं, 50 का वैल्यू जो रहेगा उसमें 10 एम एम हम लोग और माइनस कर देंगे, तो उसका और आगे 10 मीटर जो वैल्यू रहेगा उसका और माइनस कर देंगे। तो इस ऐसे करते करते हम लोग पूरा वो ले लेते हैं, पहले पूरा टोटल हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस में अपना ड्रेन है, जितने डिस्टेंस में ड्रेन रहेगा उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने डिस्टेंस में इतना स्लोप देंगे तो अपना स्लोपिंग अच्छे से हो जाएगा, पानी निकल सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग स्लोपिंग और लेवल उठा के देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है आपको ड्रेन के बारे में। हाँ दोस्तों देखिए ये है आपका शटरिंग हुआ है, शटरिंग का साइज मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। देखिए जो ये शटरिंग है, ये पॉइंट, ये से पॉइंट है तो पूरा 150 का, लेकिन अपन जब शटरिंग लगाते हैं ये 130 का डिस्टेंस रखते हैं स्पेस, क्योंकि जब आप कंक्रीट करते हैं टीएम मिलर से तो उसका प्रेशर प्लस वाइब्रेशन जो रहता है वो सरिये से करते हैं, तो इसका ये जो ये पॉइंट और ये पॉइंट 10-10 एम एम थोड़ा सा फैल जाता है, इस वजह से इसकी 150 स्पेसिंग आ जाती है। देखिए इसलिए जब भी लगाएंगे तो 130 पे ही लगाएंगे, उसके बाद जब कंक्रीट करेंगे तो 10 एम एम इधर उधर स्पेसिंग में आ जाता है शटरिंग का। देखिए दोस्तों देखिए पूरे ड्रेन का है ये।